हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ट्रू अल्टीट्यूड क्या होता है और जेनिथ डिस्टेंस क्या होता है। ट्रू अल्टीट्यूड क्या होता है, इट इज़ अ इसका डेफिनेशन आपके प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन की बुक में दिया हुआ है। ट्रू अल्टीट्यूड इज आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी बिटवीन रैशनल होराइजन एंड द सेंटर ऑफ बॉडी। एक चीज़ ध्यान में रखना, ट्रू अल्टीट्यूड क्या होता है, जो सेक्सटेंट अल्टीट्यूड हम लोग लेते हैं ना, सेक्सटेंट अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड मतलब एक होराइजन से लेके वो बॉडी के सेंटर तक का जो भी एंगल है, सेक्सटेंट अल्टीट्यूड हम लोग जो लेते हैं। सेक्सटेंट अल्टीट्यूड क्या करते हैं, हम लोग विजिबल होराइजन से बॉडी के सेंटर तक अल्टीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू अल्टीट्यूड, सेक्सटेंट अल्टीट्यूड को हम लोग करेक्शन कर करके ट्रू अल्टीट्यूड तक लेके आते हैं। तो उसका जो डेफिनेशन क्या रहेगा, एक तो रफ एंड रफ, रफली हम लोग बात करेंगे, ट्रू अल्टीट्यूड इज अ एंगल बिटवीन द होराइजन एंड द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है। अभी इसमें होराइजन कौन सा है, जो सेक्सटेंट अल्टीट्यूड में दिखता है वो होता है विजिबल होराइजन, ठीक है। अभी जो ट्रू अल्टीट्यूड है, ट्रू अल्टीट्यूड का जो होराइजन रहेगा वो रहेगा रैशनल होराइजन, ठीक है। हमेशा ट्रू अल्टीट्यूड का जो होराइजन रहेगा वो रैशनल होराइजन रहेगा। रैशनल होराइजन कहाँ पर होता है, रैशनल होराइजन के सारे पॉइंट्स आपके जेनिथ से 90 डिग्री दूर रहेंगे। मतलब रैशनल होराइजन अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। रैशनल होराइजन में जेनिथ से सारे पॉइंट 90 डिग्री दूर रहते हैं। ये जेनिथ है, जेनिथ से 90 डिग्री जो भी पॉइंट से उन पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो होता है रैशनल होराइजन। रैशनल होराइजन से लेके बॉडी के सेंटर तक, रैशनल होराइजन से लेके बॉडी के सेंटर तक जो एंगल रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्रू अल्टीट्यूड। अभी वो जो एंगल है वो किसका आर्क है, वो आर्क किसका है। अभी देखो, मैं जेनिथ हूँ, ठीक है, जेनिथ से ये रैशनल होराइजन है, ठीक है। जेनिथ से 90 डिग्री अभी रैशनल होराइजन है, और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, जो मेरे नीचे है। जेनिथ क्या पॉइंट होता है, जेनिथ एक इमेजिनरी पॉइंट है जो जो ऑब्जर्वर का प्रोजेक्शन है सेलेस्टियल स्पेयर पे। अर्थ के सेंटर से लाइन निकला था, ऑब्जर्वर से पास होके जो सेलेस्टियल स्पेयर पे जहाँ पर टच करता है वो जेनिथ है। अभी सपोज करो मैं जेनिथ हूँ, ठीक, मेरे नीचे एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में, अर्थ के सरफेस के ऊपर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अभी वहाँ पर एक हेवनली बॉडी का अल्टीट्यूड ले रहा है, ठीक है। अल्टीट्यूड ले रहा है कहाँ पर, रैशनल होराइजन के बीच में और बॉडी के बीच में। जेनिथ से जो भी लाइन जाएंगे, जेनिथ से जो भी लाइन पास होने वाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। जेनिथ और नादिर, नादिर क्या है, जेनिथ से 180 डिग्री दूसरे साइड में, ठीक है। अर्थ, ऑब्जर्वर और जेनिथ, ठीक है, और उसके ऑपोजिट में 180 डिग्री दूसरे साइड में जो पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे नादिर। और जेनिथ और नादिर को जो लाइन टच करेंगे उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल्स। तो आप 3D इमेजिन करना कि मैं जेनिथ हूँ, मेरे नीचे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रैशनल होराइजन से लेके बॉडी का अल्टीट्यूड ले रहा है, एक एंगल मेजर कर रहा है रैशनल होराइजन से लेके बॉडी तक का, और वो उसका आर्क किसका रहेगा, वर्टिकल सर्कल का, क्योंकि जेनिथ से जो लाइन पास हो रहा है उसी लाइन पे तो वो एंगल मेजर कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जर्वर पे आ जाते हैं। अभी मैं ऑब्जर्वर हूँ, जेनिथ वहाँ पर है, ये रैशनल होराइजन है, ये बॉडी है, इन दोनों के बीच का मैं जो एंगल मेजर कर रहा हूँ वो जेनिथ से जो लाइन निकल के आ रही है, जो वर्टिकल सर्कल निकल के आ रहे हैं उसी का तो मैं आर्क मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2D डायग्राम है, ये यहाँ पर मैंने 3D बनाने की कोशिश की है। ये जेनिथ है, ठीक है, मैं जेनिथ हूँ, बराबर। जेनिथ के नीचे यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर बॉडी और रैशनल होराइजन के बीच में, ये रैशनल होराइजन है, रैशनल होराइजन और बॉडी के बीच में जो एंगल रहेगा उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है। तो आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल, जेनिथ से जो लाइन निकलते हैं, आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल है, ठीक है। जेनिथ से जो लाइन निकल के आ रहा है उसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कल, आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। जेनिथ से जो भी लाइन पास होंगे, जेनिथ से जो भी लाइन पास होने वाले हैं उसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कल, आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का एक आर्क, ए भी एक आर्क है, ए भी एक आर्क है। आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, जो बॉडी से पास हो रहा है, आपकी बॉडी यहाँ पर है, जो बॉडी से वर्टिकल सर्कल पास हो रहा है उसका आर्क, बिटवीन द रैशनल होराइजन, ये अपना रैशनल होराइजन था, बिटवीन द रैशनल होराइजन एंड द सेंटर ऑफ बॉडी। तो ये वाला जो आर्क है रैशनल होराइजन से लेके बॉडी तक, रैशनल होराइजन से लेके बॉडी तक, उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। अभी
अल्टीट्यूड क्लियर हो गया, अल्टीट्यूड ये ट्रू अल्टीट्यूड है। सेक्सटेंड अल्टीट्यूड के बाद में, सेक्सटेंड अल्टीट्यूड में डिप लगाएंगे आप, डिप लगाने के बाद आप वेरियस करेक्शंस लगाएंगे, आपको अपेरेंट अल्टीट्यूड मिलेगा, फिर आप उसमें ट्रू करेक्शंस लगाएंगे, फिर आपको ट्रू अल्टीट्यूड मिलेगा। तो ट्रू अल्टीट्यूड सेक्सटेंड अल्टीट्यूड से ही मिलता है। अभी जेनिथ डिस्टेंस क्या होता है? जेनिथ डिस्टेंस मतलब सिंपल है, जेनिथ से लेके बॉडी तक का डिस्टेंस। ठीक है, अभी मैं जेनिथ हूं, जेनिथ से एक वर्टिकल सर्कल बॉडी से पास होकर रैशनल होराइजन को टच कर रहा है, ठीक है, और नीचे जाके वो नादिर को टच कर रहा है। एक लाइन जेनिथ से निकला जो बॉडी से पास होके रैशनल होराइजन से होते हुए नीचे नादिर को टच कर रहा है, तो एक ही वर्टिकल सर्कल हो गया। अभी अल्टीट्यूड क्या हो गया? रैशनल होराइजन से ऊपर बॉडी तक, रैशनल होराइजन से ऊपर बॉडी तक अल्टीट्यूड हो गया, और बॉडी से लेके जेनिथ तक, बॉडी से लेके जेनिथ तक जो भी डिस्टेंस रहेगा उसे बोलते हैं जेनिथ डिस्टेंस। अभी देखो, आर्क ऑफ ए वर्टिकल सर्कल, मैंने डिक्टो मारा है, आर्क ऑफ ए वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी मेजर्ड बिटवीन द जेनिथ, जेनिथ एंड द सेंटर ऑफ बॉडी। जेनिथ से लेके बॉडी तक जो डिस्टेंस रहेगा उसे बोलेंगे जेनिथ डिस्टेंस। ये देखो, जेनिथ से लेके बॉडी तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे जेनिथ डिस्टेंस। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जेनिथ से लेके बॉडी तक जेनिथ डिस्टेंस, बॉडी से लेके रैशनल होराइजन तक अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड और जेनिथ डिस्टेंस दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो, जेनिथ डिस्टेंस प्लस ट्रू अल्टीट्यूड इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जेनिथ से लेके रैशनल होराइजन 90 डिग्री है, करेक्ट। ये अगर आपका जेनिथ डिस्टेंस हो गया, ये अगर आपका ट्रू अल्टीट्यूड हो गया, तो ये जेनिथ और रैशनल होराइजन के बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि रैशनल होराइजन का डेफिनेशन ही वही है कि जेनिथ से आप जो 90 डिग्री वाले जो पॉइंट से उनको अगर कंबाइन करते हो तो जो सर्कल बनेगा उसे रैशनल होराइजन बोला जाता है। तो ये क्लियर हो गया, जेनिथ डिस्टेंस प्लस ट्रू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वही हो गया, मैंने डेफिनेशन क्लियर हो गया आपके। ट्रू अल्टीट्यूड आर्क ऑफ ए वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल क्यों बोला? क्योंकि वो जेनिथ से जा रहे, ठीक है, जेनिथ से जो भी सर्कल पास हो गए, जेनिथ और नादिर को जो भी सर्कल टच करेंगे उसको वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी बिटवीन रैशनल होराइजन, बिटवीन द रैशनल होराइजन, ये रैशनल होराइजन है, बिटवीन द रैशनल होराइजन एंड सेंटर ऑफ बॉडी, इसे बोलते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, सेक्शनल अल्टीट्यूड जैसे मेजर करते हैं ना हम लोग, सेक्शनल अल्टीट्यूड जो मेजर करते हैं वो कहां पर, उसका सेंटर कहां पर होता है? उसका सेंटर रहता है ऑब्जर्वर पे, मतलब मैं ऑब्जर्वर हूं, ऑब्जर्वर पे मैंने सेक्सटेंड पकड़ा है और मैं मेजर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप तो नॉर्थ पोल पे तो खड़े नहीं हो, आप तो ऑब्जर्वर पे हो, आपका सेंटर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे प्रोजेक्शन जो है वो जेनिथ है, और जेनिथ से जो लाइन पास होगी उसे बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। अगर मैं नॉर्थ पोल पे खड़ा रहता तो मैं बोलता आर्क ऑफ ए मेरिडियन, ठीक है, लेकिन मैं नॉर्थ पोल पे खड़ा नहीं हूं, मेरा सेंटर जो है वो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का प्रोजेक्शन जेनिथ है, और जेनिथ और नादिर को जो लाइन टच कर रही है उसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। ठीक है, मतलब ये देखो, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो एंगल मेजर कर रहा है, ये वाला सेक्सटेंट से लेके जो एंगल मेजर कर रहा है इसे बोलते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, और ये लाइन ऊपर जाके जेनिथ को टच करेगी। ठीक है, और जेनिथ ऑब्जर्वर का ही प्रोजेक्शन है, ये जेनिथ है, यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर रैशनल होराइजन है, और यहाँ पर नादिर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये जेनिथ है, ये नादिर है, ये रैशनल होराइजन है, ये बॉडी है, और जेनिथ से रैशनल होराइजन का बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो रैशनल होराइजन और बॉडी के बीच में जो भी एंगल बनेगा वर्टिकल सर्कल का उसे बोलते हैं ट्रू अल्टीट्यूड, और बॉडी से लेके जेनिथ तक जो भी एंगल रहेगा उसे बोलते हैं जेनिथ डिस्टेंस। जेनिथ डिस्टेंस प्लस अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज सेम यहाँ पर बनाइए, रैशनल होराइजन और बॉडी के बीच में जो भी एंगल रहेगा, रैशनल होराइजन से लेके बॉडी के बीच में जो भी एंगल रहेगा उसे बोलते हैं अल्टीट्यूड, बॉडी से लेके जेनिथ तक जो भी डिस्टेंस रहेगा उसे बोलते हैं जेनिथ डिस्टेंस, और जेनिथ से रैशनल होराइजन ऑफकोर्स 90 डिग्री है, तो जेनिथ डिस्टेंस प्लस अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जेनिथ डिस्टेंस और अल्टीट्यूड का डेफिनेशन। ओके, और एक चीज है, व्हेन LHA इज इक्वल टू 000 डिग्री और 180 डिग्री बॉडी लाइज टू वेस्ट, ये अज्यूमत में क्वेश्चन पूछा जाता है। LHA कहां पर मेजर किया जाता है? देखो, ये आपका पोल है,
ये आपका अर्थ था, अर्थ को हमने टर्न किया, अर्थ को हमने टर्न किया, तो आपका इक्वेटर यहाँ पर चला गया, ये पोल यहाँ पर है। LHA कहाँ पर मेजर किया जाता है? LHA ए पोजिशन से मेजर किया जाता है। पोल और जेनिथ, पोल और जेनिथ के बीच में जो भी लाइन रहेगी, पोल और जेनिथ के बीच में जो लाइन रहेगी, वहां से इस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा LHA मेजर किया जाता है। पोल और जेनिथ के बीच में जो लाइन रहेगी वहां से LHA मेजर किया जाता है। ओके, अभी इसमें क्या बोला है, व्हेन LHA 00 डिग्री, मतलब ये LHA यहां पर है, और 180 डिग्री मतलब यहां पर, तो LHA जब 0 से लेके 180 डिग्री रहेगा तो आपका बॉडी वेस्ट साइड में रहेगा, करेक्ट है? जब LHA 000 रहेगा, 00 से 180 डिग्री इस डायरेक्शन में जब LHA रहेगा आपका, यहां से मेजर करना चालू किया यहां तक, जब आपका LHA इस डायरेक्शन में, तो कौन से साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में। When LHA 000 to 180 degree, body lies to west. और जब LHA 180 से लेके 360 degree रहेगा, LHA 180 से लेके 360 रहेगा, body lies to east. ठीक है, जब LHA 180 से लेके 360 degree रहेगा, body lies to east. 0 से लेके 180 डिग्री बॉडी लाइज टू बेस्ट। ये आपको अज्यूमत में क्वेश्चन आता है। अज्यूमत में जब आप नेमिंग करते हो कि बॉडी का डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट या वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ, तो आपको इमिडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में भी दिया जाता है। आपका जो लैटिट्यूड रहेगा या आपका जो डेक्लिनेशन रहेगा, लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन का आप जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको उसमें से नॉर्थ और साउथ मालूम हो जाता है। लेकिन आपका ईस्ट या वेस्ट है ये अज्यूमत में रहेगा। अज्यूमत के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि बॉडी ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो आपको सिंपली क्या देखना है कि आपका LHA का वैल्यू क्या है। LHA का वैल्यू अगर 00 से लेके 180 के बीच में है तो बॉडी लाइज टू वेस्ट, अगर वैल्यू 180 से लेके 360 डिग्री है बॉडी लाइज टू ईस्ट। ठीक है, सिंपल, ट्रोल्टीट्यूड हो गया, जेनिथ डिस्टेंस हो गया, और ये भी क्वेश्चन हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।